नमस्कार, न्यूज़ क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में रिकॉर्ड 77,000 से अधिक नए मामले, 1,057 मरीजों की मौत। यूएनएससी ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को फिर लगाने की अमेरिका को मांग को किया खारिज। रेल, तेल, एयरपोर्ट सब बिकेगा, नारा होगा देश नहीं बिकने दूंगा। बैंकों से धोखाधड़ी, क्या बैंकिंग व्यवस्था को गहरे आत्ममंथन की जरूरत है? हमारी पहली जो खबर है वो कोरोना अपडेट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार 28 अगस्त सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के फिर से रिकॉर्ड 77,266 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा देश भर में कोरोना से 1,057 मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 60,177 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 33,87,500 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट 76.27% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से 25,83,948 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण अभी तक 61,529 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,42,023 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 3,94,77,848 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 9,01,338 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंगलवार 25 अगस्त को औपचारिक रूप से ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों की अमेरिका की मांग को खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया के राजदूत और वर्तमान सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष डियान त्रिसंग दंजानी ने मिडिल ईस्ट को लेकर एक बैठक के दौरान रूस और चीन द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यूएस द्वारा दायर याचिका पर परिषद आगे की कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है। पिछले हफ्ते यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने ईरान के खिलाफ सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को फिर लगाने के लिए यूएनएससी को एक औपचारिक अधिसूचना प्रस्तुत की थी, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को सुरक्षा परिषद द्वारा 2015 के अपने संकल्प 2231 में मंजूर करने के बाद हटा लिया था। JSPOA के ईरान परमाणु समझौता भी कहा जाता है। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा तिरुवनंतपुरम सहित देश के 6 हवाई अड्डे को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया। बेहद लाभकारी तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अडानी समूह के हवाले करने के मोदी सरकार के फैसले पर भारी विरोध और विवाद उठ खड़ा हुआ है। केरल की सरकारी कंपनी भी एक दावेदार थी कि केंद्र अगर एयरपोर्ट को किसी और के हवाले करने पर आमादा है तो बेहतर होगा वह इसे राज्य की सरकार को सौंपे, जिसके पास एयरपोर्ट चलाने का अनुभव भी है, पर एयरपोर्ट 50 साल के लीज पर अदानी ग्रुप को सौंपा गया। कई और एयरपोर्ट तेल, रेल, फोन अलग अलग ढंग से निजी समूहों के नाम हो जाने की लाइन में लगे हुए हैं। निजीकरण का ऐसा अंधड़ शायद ही किसी स्वाभिमानी और स्वतंत्र देश में देखा गया होगा। कोरोना जैसे बड़ी आपदा के दौर में मानव सरकार को अवसर मिल गया है। इसके नतीजों का आकलन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, आइए सुनते हैं उन्हें। कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। कितना ओजस्वी, कितना सुंदर नारा है। राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति का प्रवाह है। ऐसा लगता है कि देश की परिसंपत्तियों के लिए, देश के एसेट्स के लिए, देश की जनता के लिए और संपूर्ण देश के लिए एक प्यार, एक प्रेम इसमें उमड़ता है, छलकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने चुनावों के दौरान यही नारा सबसे तेजी के साथ लगाते थे, सबका साथ सबका विकास, देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हो ये रहा है कि देश की जितनी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां हैं, जो इतने वर्षों के बाद आजादी के लगातार जिनको बचाए रखा गया, कुछ बेचने की कोशिश भी की गई, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कोशिश की गई, लेकिन अब बारी बारी से सिलसिलेवार सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, सब कुछ निजी हाथों में जा रहा है। और तो और, हमारी दुनिया के नक्शे पर अगर आप देखिए तो जो बहुत ज्यादा प्राइवेटाइज इकॉनमी वाले देश हैं, जहां पर निजीकरण बहुत होता है, उन देशों में भी वे अपने एयरपोर्ट जो सामरिक स्तर पर अगर देखा जाए सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स को भी वे प्राइवेटाइज नहीं करते। वो हमेशा वहां की सरकारें एयरपोर्ट पर अपना कब्जा रखती हैं। अमेरिका को देख लीजिए,
अमेरिका में न केवल सरकार के अधीन एयरपोर्ट हैं, बल्कि कई जगह राज्य सरकारों के, कई जगह छोटे अगर एयरपोर्ट हैं, उस शहर की म्यूनिसिपैलिटी के तहत भी काम करते हैं, कुछ एक यूनिवर्सिटीज के भी एयरपोर्ट हैं, लेकिन वो सरकार के हाथों से प्राइवेट के हाथ में कभी उसको ट्रांसफर नहीं करते, उसकी ओनरशिप वो कभी लीज पर भी नहीं देते। और 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, लेकिन वहां की जनता ने, वहां के जो सियासतदान हैं, उन्होंने फेल किया उस पूरे मुहिम को। आप अगल बगल की देखिए, आप अमेरिका की बात छोड़िए, आप अगल बगल के देशों में देख लीजिए, आप कुआलालंपुर चले जाइए, बैंकॉक चले जाइए, दुबई देख लीजिए, शारजाह देख लीजिए, इस्तांबुल देख लीजिए, मस्कट देख लीजिए, कहीं कोई एयरपोर्ट, चाहे देश जैसा भी हो, वहां की व्यवस्था जैसी भी हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं, वो सब पर वहां की पब्लिक, यानी पब्लिक सेक्टर यानी सरकार का स्वामित्व होता है, क्योंकि एयरपोर्ट सामरिक दृष्टि से और हर दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, बेहद संवेदनशील होते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने यहां सारे के सारे एयरपोर्ट भी प्राइवेटाइज करने की योजना है, और माना यह जा रहा है कि अगले चरण में 35-40 एयरपोर्ट और प्राइवेटाइज होंगे, जो सबसे बड़ा इस समय हंगामा देश में मचा हुआ है, लेकिन आप कभी टेलीविजन पर नहीं पाएंगे ये खबर, कभी टेलीविजन पर इसको डिस्कशन के लिए कभी आप नहीं पाएंगे कि भारत के जो अंग्रेजी हिंदी टेलीविजन चैनल हैं, वो इसको अपने प्राइम टाइम में डिस्कस करें। लेकिन दोस्तों, सुशांत सिंह की कहानियां सुबह से लेकर रात तक आपको चलेंगी। सुशांत सिंह की हत्या वो थी, आत्महत्या थी, ये विवाद सुलझना चाहिए, हम उस परिवार के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन ये कहानी कैसे चल रही है? एक जमाने में तबलीगी जमात की कहानी चलती थी टेलीविजन चैनलों पर, जब लोग कोरोना को लेकर के आशंकित थे कि पता नहीं अपने देश में क्या हाल होगा, तब तबलीगी जमात पर सारा का सारा जहमत डाल दिया गया था, तोहमत डाल दी गई थी, और अब सब कुछ एक्सपोज हो गया कि झूठी कहानियां प्रचारित की जा रही थी। और दोस्तों, अब दिलचस्प बात यह है कि इस समय एक नई कहानी सुशांत सिंह की उठाई गई है, ताकि कोरोना से लोगों का ध्यान हट जाए, और कोरोना 60,000 से जहां अधिक लोग मर चुके हैं, जहां पर लाखों लोग संक्रमित हैं, और पूरी दुनिया में न केवल हम तीसरे नंबर पर हैं, बल्कि 24 घंटे में संक्रमित होने वाली लोगों की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में हम नंबर वन हो गए हैं, और हो सकता है कि निकट भविष्य में हमारी संख्या, संक्रमित लोगों की भी संख्या, उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाए और ये जो आंकड़ा है और बढ़ जाए। तो दोस्तों, कोरोना के दौर में एक नारा आया था, हमको अच्छी तरह याद है, आपदा में अवसर तलाशिए। तो ऐसा लगता है कि आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है, और अवसर किस चीज का तलाशा जा रहा है? देश की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को अपने पसंदीदा जो कॉरपोरेट्स हैं उनके हवाले किया जा रहा है। अंबानी, अदानी, न जाने कितने बड़े उद्योगपति इस तरह की कतार में हैं, जो तमाम जो अपने देश की परिसंपत्तियां हैं उन पर काबिज होने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, कईयों पर काबिज हो चुके हैं, कईयों पर काबिज होने वाले हैं। हमने अतीत में भी देखा, हम यूपीए सरकार को कोई स्पेयर नहीं कर रहे हैं, यूपीए जो सरकार थी उसने जो किया था उसके कुकर्मों का उसको उसे भुगतना पड़ा, लेकिन तब टेलीविजन चैनल कवच नहीं बनता था सरकार का, आज वो कवच बना हुआ है ताकि जनता को सच न मालूम हो। हम बताएंगे कि तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट का पूरा मसला क्या है, और ये सरकार क्या छुपा रही है, और टेलीविजन चैनल क्यों नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो केरल में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के अडानी को हैंडओवर करने को लेकर जो इतना बड़ा विवाद हुआ है, उसकी संक्षेप में आपको बैकग्राउंड बताऊं। जब ये 6 एयरपोर्ट अपने देश के, जिनमें तिरुवनंतपुरम के अलावा जयपुर था, अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलुरु और गुवाहाटी, इन एयरपोर्ट्स को जब 2019 में फैसला हुआ था कि इनको सरकार के हाथ से ट्रांसफर कर दिया जाए, एयरपोर्ट अथॉरिटी से ट्रांसफर कर दिया जाए प्राइवेट हाथों में, ये जो फैसला किया गया था मोदी सरकार द्वारा, उसी से उस दरमियान भी और उसके पहले भी एक बार केरल सरकार ने कहा था कि जब कभी एयरपोर्ट को, खासकर तिरुवनंतपुरम को, आप किसी कंपनी को, किसी निजी हाथ में देना चाहें, तो उसके पहले केरल सरकार को अवश्य विश्वास में लिया जाए, क्योंकि हमारे पास, हमारी जो कंपनियां हैं सरकारी, उनको एयरपोर्ट चलाने का अनुभव है, और कोचीन का जो एयरपोर्ट है, कोची एयरपोर्ट, उसमें जो कई कंपनियां मिलकर चलाती हैं, उसमें केरल सरकार की अपनी कंपनी भी है। तो उन्होंने कहा कि हम
अपने एयरपोर्ट को यानी तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट, जो देश के पुराने एयरपोर्ट्स में से एक है और जो लगभग 150 करोड़ से ज्यादा हर साल मुनाफा देता है सरकार को, लेकिन इसके बावजूद एक मुनाफा देने वाले एयरपोर्ट को भी सरकार जो है अडानी ग्रुप को देने का फैसला कर ली। अब सवाल इस बात का है कि उन्होंने कहा कि इसकी बोली लगेगी, उस बोली में शामिल हुई केरल सरकार, लेकिन केरल सरकार को केंद्र की सरकार ने कतई यह नहीं बताया, बिल्कुल अंधेरे में रखा कि जनाब आप अगर लेना ही चाहते हैं, सरकार अगर चलाना चाहती है एयरपोर्ट को, तो ये मामले हैं, इतनी बोली लगी है आपकी, इतनी है उस पर एक, चूंकि सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मामला है, इस पर आप विचार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप को देने का फैसला पहले ही दिमाग में बन गया था और वो अमली जामा पहना दिया गया। केरल सरकार की मुख्य आपत्ति यही है कि अगर पब्लिक एसेट को अगर सौंपना ही है, अगर केंद्र अपने अधीन नहीं रखना चाहती, एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने अधीन नहीं रखना चाहती और स्टेट गवर्नमेंट रखना चाहती है, तो प्रायोरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए, यह उनका सीधा कहना था और वो भी तब जबकि मुनाफे का एयरपोर्ट है, लेकिन केंद्र सरकार आबादा। और दोस्तों अब सवाल इस बात का है कि एयरपोर्ट को जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, पहले भी किया जा चुका है, हमने आपको बताया दिल्ली है, हैदराबाद है, बंगलुरु है, तो ये जो एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया गया है अभी हाल में, और भी कई एयरपोर्ट जो प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, जिनमें त्रिची है, भुवनेश्वर है, अमृतसर है, रायपुर है, इंदौर है, वाराणसी है, ये जितने एयरपोर्ट प्राइवेटाइज होंगे, इनको केवल एयरपोर्ट पर संचालन का, विकास का, विस्तार का काम नहीं मिलेगा प्राइवेट उस कंपनी को, बल्कि शहर में भी आसपास एयरपोर्ट की जो जमीन होगी, जायदाद होगी, वो सब हैंडओवर हो जाएगा 50 साल के लिए। और अगर उस पर वो कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज करती हैं, उसके लिए भी उसका प्रावधान कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय जो संपदा है, राष्ट्रीय जो संपत्ति है, उसका इस तरह का जो ट्रांसफर है, वो भयावह तस्वीर पेश करता है अपने देश में निजीकरण की। और दूसरी बात कि सिर्फ एयरपोर्ट तक सीमित मामला नहीं है, हम जानते हैं कि 151 ट्रेनों का 109 रूटों पर निजीकरण का फैसला, और यह 2023 तक पूर्णतः संचालन में होगा, यानी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ट्रेनों का भी यही हाल है, और ज्यादा बढ़ाई जाएंगी, कुछ ट्रेनें अभी भी प्राइवेट हाथों में हैं जो चल रही हैं, उनका क्या हाल है हम सब जानते हैं। तो दोस्तों इस पर मुझे याद आ रहा है कि मेट्रो मैन कहे जाने वाले अपने देश के ई श्रीधरन ने भी, जो कि निजीकरण के कोई बहुत विरोधी नहीं है, आइडियोलॉजिकल उनकी कोई पोजीशनिंग इस पर उस तरह से नहीं है, उन्होंने भी कहा कि अपने देश में अगर दो तरह की ट्रेनें चलाई जाएंगी तो ये एक असंतुलन की स्थिति होगी, असमानता की स्थिति होगी, कई तरह की जटिलताएं पैदा होंगी किराए से लेकर के और ऑपरेशन तक, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये फार्मूला कामयाब होगा। ये ई श्रीधरन साहब ने कहा, जिनकी कोई पॉलिटिकल बायस नहीं है और जिन्होंने भारत में, मैं समझता हूं कि भारतीय रेल को बहुत बड़ा जिनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुनती, सरकार किनकी सुनती है, सरकार किनको देखती है, ये हम सब जानते हैं। और दोस्तों कुछ ही दिन की बात है, 2024 से पहले यकीन कीजिए इस देश में जितनी बड़ी कंपनियां हैं, बीपीसीएल से लेकर के और जितनी टेलीफोन की कंपनियां, बीएसएनएल वगैरह जितनी कंपनियां हैं, इसके अलावा जो रेलवे की बहुत सारी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, ये सब दिखाई नहीं पड़ेंगी। वित्त वर्ष 2019-20 में बैंकों और वित्त संस्थान द्वारा रिपोर्ट किए गए 1,00,000 रुपए और इससे अधिक संख्या के धोखाधड़ी के मामले में की संख्या में लिहाज से 28% और मूल्य के हिसाब से 159% की वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक की मंगलवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में बैंकों और वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी होने और उसका पता चलने का औसत समय 2 साल रहा है। वहीं 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी होने के मामले में यह समय कहीं ज्यादा रहा है। रिजर्व बैंक ने 1,00,000 रुपए और इससे अधिक की धोखाधड़ी के आंकड़े बताते हुए कहा कि 2019-20 में धोखाधड़ी के कुल 8,707 नए मामलों का पता चला, जिसमें 1,85,644 करोड़ रुपए की राशि लिप्त रही है। वहीं इससे पिछले साल इस प्रकार की धोखाधड़ी के कुल 6,799 मामले में 71,543 करोड़ रुपए की राशि की गड़बड़ हुई थी। क्या बैंकिंग व्यवस्था को गहरे आत्ममंथन की जरूरत है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर,
और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद। Thank you.